Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, आज के थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि आज का यह वीडियो बहुत ही डेडिकेटिव और एक्सपेंसिव बनने वाला है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उस पैसा की तरह आज वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको पैन कार्ड के फायदों के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो दोस्तों, यदि आप उन फायदों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। वैसे तो दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि पैन कार्ड क्या होता है और यह ज़रूरी क्यों होता है, लेकिन फिर भी हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। पैन कार्ड का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर या स्थायी खाता संख्या 10 अंकों की एक संख्या होती है, जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेन देन के लिए किया जाता है। आजकल ज़्यादातर जगह पर पैन कार्ड का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी 18 साल से ऊपर भारतीय नागरिक पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के बाद वह ऑनलाइन पैन कार्ड को ट्रैक भी कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति का पैन कार्ड पहले से बना हुआ है तो वह ऑनलाइन चेक कर सकता है कि उसका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं। तो दोस्तों, चलिए अब पैन कार्ड के उन 5 फायदों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, पैन कार्ड को आप आईडी प्रूफ पहचान के रूप में दिखा सकते हैं। नंबर 2, सरकार के 50,000 से ऊपर के लेन देन पर पैन कार्ड जरूरी कर दिया है, यानी अगर आपके पास पैन कार्ड हैं तभी आप 50,000 से ऊपर के पैसों का लेन देन कर सकते हैं। सरकार कुछ समय बाद बिना पैन कार्ड के पैसों के लेन देन पर रोक लगा सकती है। 3, पैन कार्ड आयकर रिटर्न भरने के लिए भी अनिवार्य है। 4, बैंक में खाता खुलवाने, पासपोर्ट बनवाने और शेयरों की खरीद बिक्री हेतु भी डीमैट खाता खुलवाने के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है। और नंबर 5, किसी भी प्रकार के सरकारी या प्राइवेट बिजनेस फर्म शुरू करने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है।